सही बात है, रास्ता कठिन हो सकता है, सही बात है, लेकिन चल चल बहुत हल्का वजन है, देखो एक उंगली, चल ऐसे मेहनत रखती है, अबे हथेली बेड़ा दबा एक दूसरे के साथ, चल दस और आएंगे, चल 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 स्ट्रॉन्ग, भाई कितनी मेहनत लगती है, मेहनत लगती है बॉडी बनाने की, बॉडी नहीं बनती भाई, वर्कआउट ऐसे नहीं होता, 25 फिर 50 और फिर फेलियर, रेपिटेशन जान ले लेते हैं, बस स्टेरॉइड जा रहा है इसकी बॉडी में भी, वरना तो जिम में 100 लोग आ रहे, वो भाई साहब वाट लग जाती है, इनके घर से फोन आया, इनका एक चार पैर वाला भाई है, सो हे गाइस वेलकम टू द न्यू ब्लॉग, और आज के ब्लॉग की करते हैं शुरुआत, आज है मेरा डे 16 स्टेरॉइड वाली बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर माय बर्थडे चैलेंज, तो वर्कआउट करता हूं मैं, और वर्कआउट के अंदर मैं लूंगा चेस्ट एंड ट्राइसेप्स का वर्कआउट, लेकिन आज वर्कआउट करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ तरीके का, मतलब उसमें क्या लूंगा मैं, वेट नहीं बढ़ाऊंगा, 10-10 की प्लेटें डाली है, मैक्सिमम 20-20 कर लूंगा, लेकिन उसके साथ जो बॉडी के साथ एक एक्सपेरिमेंट करेंगे रेपिटेशन, तो पहला सेट 25 फिर 50 फिर फेलियर जितना भी आए वेट, तो चलिए करते हैं वर्कआउट और रेपिटेशन, दो एक्सरसाइज का मिला के एक सर्किट करना है, और हमेशा अच्छा खाएं, अच्छे दिखें, और स्टेरॉइड अगर आप प्रोफेशनल तो ले, वरना स्टेरॉइड से बचे, ये सेहत के लिए हानिकारक है और नहीं भी, तो मिलते हैं वर्कआउट पे, पंप आ रहा है बहुत बेहतर, और एक्सरसाइज से पहले प्री वर्कआउट जरूर लें, अगर आप पैसे इन्वेस्ट कहीं करना चाहते हैं तो आप स्टेरॉइड की तलाश कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या लूं मैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस हो सकता है क्रिएटिन, या क्रिएटिन इंक्लूडेड प्री वर्कआउट्स आते हैं जिनमें क्रिएटिन मिक्स होता है, तो वो ज्यादा इफेक्टफुल है, प्री वर्कआउट में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो लेते हैं हमारा सेकेंड सेट, वार्म अप ले चुका हूं मैं, अभी 50 रैप का है, तो ब्लॉग हो जाएगा लंबा, लेकिन कोई ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कुछ चीज नहीं छुपेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. एक्चुअली क्या है, जब वर्कआउट करते हैं, जब तक आपका माइंड सेट नहीं है ना, आपके रेपिटेशन से आपको एक गोल मिल जाता है, उसे अचीव करना है, और जिसके पास गोल नहीं है वो क्या अचीव करेगा, फेलियर, तो लास्ट टाइम पे जब कटिंग में पहुंचूंगा फाइनल, जब पूरे फेलियर ट्राई करेंगे, वाट लग जाती है, 50 रैप बहुत होते हैं, और स्क्वीज करने की भी हिम्मत नहीं बचती है, अब इसके बाद फ्लाई पे, वहां भी 50 रेपिटेशन, और पंप कैसा आ रहा है ये बताएं आप, वेट देखिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ईगो लिफ्टिंग से बचें, आप सही दिशा में चलाया हुआ तीर, अगर मछली की आंख आपको दिख रही है तो आप अर्जुन है, वरना तो जिम में 100 लोग आ रहे हैं, बनती सिर्फ 2 की है, तो काउंट योर सेल्फ इन दैट टू, 50 रैप बहुत हो जाते हैं यार, ओह, और मेरे बाद बारी है मुकुल की, मुकुल मार देगा, हाँ तगड़ा हो रहा है भाई, स्टेरॉइड जा रहा है इसकी बॉडी में भी, और इसके फिटनेस चैनल पे मदद करें आप, ये भी डाल रहा है पूरा व्लॉग, पूरी सीरीज ट्रांसफॉर्म विद स्टेरॉइड्स, और रेपिटेशन भूल गया मैं, कितने हुए थे, कितने हो गए होंगे, और यहां लाके स्क्वीज टाइट एंड फील, ओह 5 और, बस ये जो अंदर से ना, जितना टूटोगे ना उतनी ज्यादा बनेगी बॉडी, आई एम लिटरली टेलिंग यू दैट, सो अब है बारी सेकंड वर्कआउट की, और सेकंड वर्कआउट में लेना है डिक्लाइन, थोड़ा बहुत वेरिएशन चेंज करता रहता हूँ, और 25 रेपिटेशन से शुरुआत है, 25 रेपिटेशन, बहुत ज्यादा वाइड नहीं पकड़ना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24. अब है बारी डिक्लाइन बेंच के साथ मुझे क्या लेना है, और अगर आप ये शेड्यूल ट्राई करते हैं, बस साथ साथ बने रहो भाई, 90 दिन में आप भी ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, अभी हमने फ्लैट बेंच की तो हमने पैक डेक फ्लाई किया, अभी हम लेंगे यहाँ लाके इस तरीके से, यहाँ बिल्कुल नीचे नहीं, यहाँ ऐसे, 1, 2,
चार पाँच छ सात आठ नौ दस, और ये रेपिटेशन जान ले लेते हैं। अभी एक ही वर्कआउट हुआ है और सारी एनर्जी ख़त्म होगी, मुंह सूख रहा है, क्योंकि रेपिटेशन पहले 25 फिर 50 और फिर फेलियर इन द सेंस, चाहे आपके 55 आए चाहे 60 आए, लेकिन मसल का लास्ट निकालना है। और दूसरा वर्कआउट इस तरीके से लेना है आपको, सर्किट बना के डिक्लाइन बेंच विद दिस काइंड ऑफ फ्लाई। चलते हैं थर्ड वर्कआउट। 16 17 18 19 देख सकते हो भाई आप। चलो भाई ऐसे भाई बॉडी नहीं बन जाती। 24 भाई वर्कआउट ऐसे नहीं होता भाई, व्लॉग के बाद भी बहुत मेहनत होती है जो कि करते हैं। आपको तो छोटी सी वीडियो दिखाई जाती है, पर उसके बाद जो होती है भाई, जो मेहनत होती है भाई, हालत खराब हो जाती है। 44 भाई बहुत मेहनत लगती है बॉडी बनाने की, बॉडी नहीं बनती। चलो भाई जय श्री राम। 51 बहुत बढ़िया भाई। 53 भाई कितनी मेहनत लगती है। 22 देखो आपको लगता है कि मेहनत ऐसे ही होती है, मेहनत में बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है। 26 मोमेंट के साथ 29 30 31 के साथ वर्कआउट कराना। 33 स्नैप में 34 35 36 नीचे दबा, नीचे दबा, चल 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 10 और आएंगे, चल 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 स्ट्रांग। 2 चल 3 चल 4 5 चल 6 चल 7 8 9 10 स्क्वीज करा के, यहाँ हथेली लगा, यहाँ हथेली लगा, अबे हथेली भिड़ा दबा एक दूसरे के साथ, कमन कमन कमन, गुड 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 गुड, नीचे लेके जा, अब दबा। ऐसे मेहनत लगती है। ओह वर्कआउट पे देना है ध्यान आपको। आज है निखिल का डे, पता नहीं कौन सा है, लेकिन हमने जो डे काउंट कर रखे हैं उसके हिसाब से हम 90 डेज में दिखाएंगे आपको। लेकिन मैं अपने ब्लॉग में भी इसको वर्कआउट कराता हूं, तो कैसे कराता हूं, आज थाई का वर्कआउट, और हमेशा थाई से बचते हैं आप लोग भी, तो ध्यान देने के लिए कोई चाहिए। चल फ्री स्क्वाट ही कर बेटा, इसको किसी स्क्वाट की जरूरत नहीं यार, मैं ही लेग प्रेस हूं, मैं ही स्क्वाट हूं इसकी। चल अगर 20 मारे तो ही मर्द है, वरना ना मर्द है। चल चल वो तो साबित कर बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 चल भाई 8 9 10 ऊपर उठे 11 हाँ 12 चल 13 चल 15 ऊपर उठे 17 चल चल बहुत हल्का वजन है देखो एक उंगली, चल 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 18 एक उंगली सिर्फ 19 ये एक्चुअली मैं बताऊं आपको मजाक बेस नहीं, जो साथ करता है ना, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो कृपया देख के आपको ये लगा होगा कि हंसी मजाक चल रहा है, हंसी मजाक नहीं, मसल को फटीक तक लेके जाना। एक अच्छा कोच वो है आपके साथ जो आपके रास्ता, आपको मंजिल तय करनी है उसमें आपको शॉर्टकट बताए, वो अच्छा कोच नहीं है। अच्छा कोच वो है जो आपको मंजिल तक पहुंचाए, तो सही बात, रास्ता कठिन हो सकता सही है, बात है। लेकिन ये गिरते पड़ते भी पहुंचेगा, पहुंचूंगा भाई। एक्चुअली ना मैं ब्रेक ले लेके वर्कआउट कर रहा हूँ, हालत खुद पतली सी हो रही है, अंदर से ऐसा लग रहा है रेस्ट ले लिया जाए। थर्ड वर्कआउट फाइनल, इंक्लाइन बेंच 25 रेपिटेशन 3 4 5 6 7 8 9 10 अच्छी स्ट्रैप हो गए इसके, और इसके बाद इंक्लाइन फ्लाई करना है। बहुत टफ हो जाएगी यार इंक्लाइन फ्लाई, कैसे होगी क्योंकि उस पर इतना वेट मेंटेन करना, अगर 10 किलो से भी मारूंगा तो 25 रेपिटेशन फिर 50 तो हो नहीं पाएगा। तो वेट लाइट लेने की कोशिश करूंगा क्योंकि थर्ड वर्कआउट है, बॉडी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। आपकी बॉडी में ना एनाबॉलिज्म जब आप वर्कआउट करते हैं तो कुछ समय के लिए ही एक्टिवेट होता है, अगर आपने उस समय का फ़ायदा उठाया ना तो आपकी बॉडी बनने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आपने वो समय व्यर्थ कर दिया तो बॉडी नहीं बनेगी भाई, कैटाबॉलिक स्थिति आ जाती है। ये सो कॉल्ड एजुकेटेड बातें हैं, तो ये समझनी बहुत ज़रूरी है जब जाके बॉडी बनेगी भाई। तो वर्कआउट में मिलते हैं, अब फटीक लेवल तक पहुँच चुकी है चेस्ट मसल, देखते हैं क्या होता है। सो दिस इज़ लास्ट वर्कआउट फॉर चेस्ट, अभी लेना है हमें इंक्लाइन डंबल फ्लाई और रेपिटेशन 25। तो पहला 7.5 से लिया है, मुझे नहीं लगता वेट बढ़ा पाऊंगा इसके बाद। और
व्लॉग शूट कर रही है, स्ट्रॉन्ग वुमेन कोमल मैडम, 101 गर्ल, गर्दन नीचे, ओ चीटिंग नहीं, ओ। तो 25 रेपिटेशन कंप्लीट होते हैं और फर्क आके रहेगा भाई, फर्क ला के छोड़ेंगे, कहने मात्र से नहीं होगा, जब तक करेंगे नहीं हटेंगे नहीं। ऐसा है कुछ तो मेरे पर खचे उड़े हुए थे कि वर्कआउट में सोच रहा था छोड़ दूं, और कुछ भैया जी के घर से फोन आया, इनका एक चार पैर वाला भाई है तो उसकी थोड़ी तबीयत से खराब है, चारा पड़ गया थोड़ा अर्जेंट इसलिए तो वहाँ जाना पड़ रहा है। तो ट्राइसेप मुझे तो राहत मिल गई ट्राइसेप्स के वर्कआउट से, तो शाम को ट्राइसेप्स का वर्कआउट कंप्लीट करेंगे। तो आज का व्लॉग ऐड करते हैं चेस्ट के ही वर्कआउट पे, हमने चेस्ट का वर्कआउट लिया सर्किट सीरीज के साथ, 3 वर्कआउट का ब्लेंड बनाया विद अल्टरनेट वर्कआउट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आपको ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ मैं, जब आप कमेंट करते हैं तो उससे बहुत सराहना मिलती है मुझे। जय श्री राम, जय गौ माता की, कोई ना टक्कर में छोड़ दो सारे चक्कर यार।